नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। बात सबसे पहले किसान आंदोलन की करते हैं। मेरठ से किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। हजारों की संख्या में दिल्ली जा रहे हैं किसान। कृषि कानून के समर्थन में दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान। लगातार किसान प्रदर्शन करते हुए पिछले 25 दिन से गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर के साथ सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। दिल्ली की सीमाओं को जाम करने की तैयारी और ऐसे में आगे रणनीति क्या रहेगी, इसको लेकर लगातार मंथन और चर्चा के बीच यहां पर देखिए किस तरीके से हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश के कई शहरों से दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। मेरठ से हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का एक तरफ प्रदर्शन जारी और उनको समर्थन देने के लिए मेरठ से हजारों की संख्या में किसान निकल चुके हैं दिल्ली की तरफ। दरअसल किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमें किसी तरह के संशोधन की जरूरत नहीं है, हमें संशोधन प्रस्ताव मंजूर नहीं है, कृषि कानून को वापस लेना चाहिए सरकार को। एक तरफ सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश करती हुई लेकिन कामयाबी यहां पर सरकार को नहीं मिल रही है और यह आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। ना सिर्फ किसानों का समर्थन मिल रहा है बल्कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का समर्थन के साथ साथ, चाहे अधिवक्ता वर्ग हो, स्टूडेंट हो या फिर एक्स आर्मी पर्सन, समय समय पर कई वर्ग के लोग, अलग अलग प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले लोग पहुंच रहे हैं किसानों को समर्थन देने के लिए। गाने बजाने बीच बीच में किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। और देखिए जो तस्वीरें हम आपको मेरठ की दिखा रहे हैं, ये जो हजारों की संख्या में गाजीपुर बॉर्डर की तरफ रुख कर रहे हैं, ये किसान जो है दरअसल कृषि कानून का समर्थन करने के लिए उतरे हैं। तो अब यहाँ पर एक तरफ किसान कृषि कानून के विरोध में हैं, तो दूसरी तरफ अब ऐसे लोग भी सामने आने लगे हैं जो किसान ही हैं और ये कहते हैं कि कृषि कानून सरकार जो लेकर आई है वो किसानों के हित में है। कहना है कि हम किसान बिल जो है उसके समर्थन में है, पूछना चाहेंगे इनसे क्या जो किसान बिल है, जो पहले से वहाँ किसान मौजूद है, क्या वो इनके पक्ष में है, यानी क्या उनके लिए अलग कानून बनाया जाए, इनके लिए अलग कानून बनाया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये किसान ये कहना चाहेंगे हम, क्योंकि जो है हम वहाँ से जो है किसान के विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी मांग रखने के लिए जा रहे हैं वहाँ से, जो जो है फसल खरीद की गारंटी हो, गाँव का जो है बिल आता हो और खेत की सिंचाई बिल्कुल फ्री हो। नहीं, आप किसान बिल के समर्थन में है? किसान बिल के समर्थन में है, किसान बिल में संशोधन होने के साथ हम समर्थन में है, किसान बिल का हम संशोधन होने के बाद समर्थन कर रहे हैं। आप कौन सी पंचायत से यहाँ पर आए? मैं बालियान खाप से हूँ, तो साहब का पड़ोसी हूँ बिल्कुल। जब आप चौधरी साहब के पड़ोसी हैं, हाँ? तो आप चौधरी साहब के विपक्ष में जा रहे हैं? नहीं, विपक्ष कहाँ जा रहे हैं, हम तो किसानों के लिए जो उचित मांग है वो रखने के लिए जा रहे हैं। उन्हें जो है समय पर उचित मूल्य की गारंटी हो, मरना जो है लेट ना हो परमिट में कोई भी, उन्हें खेत में जो है सिंचाई के लिए बिजली फ्री हो और गाँव माध्यम हो। ये दलालों से छुटकारा और किसान बिल हमारा, इसमें हाँ। आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो दलाली है, किस चीज की दलाली चल रही है, कौन दलाली कर रहा है? ये दलाली जो है ये मंडियों में जो है आरती है सब दलाल कर रही है। ये जो है इनका छुटकारा मिलेगा इससे, इससे जो है छुटकारा मिलेगा तो ये जो है जी किसान बिल हमारा होगा। ये ऐसा नहीं है, एक मतलब दलाल है मंडी में सब जो व्यापारी है दलाली कर रही है, इससे छुटकारा मिलेगा। हमारा मेन मकसद है जो मोदी जी ने ये बिल बनाया हम उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां आए उनमें हम संशोधन करना चाहते हैं। ठीक है, किसान इस बिल को जो है खत्म करना चाहते हैं, हम खत्म करना चाहते हैं। हम कहते हैं जो बिल बन गया वो ठीक है, वो समझ में जिसके नहीं आ रहा पूरी तरीके से समझे और इसे जो पास कराए और इसमें संशोधन के पक्ष में हम जा रहे हैं। किसान क्यों खत्म करना चाह रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसान है या नहीं है? किसान खत्म करना नहीं चाह रहा, किसान खत्म करना नहीं चाह रहा, किसान भी संशोधन चाहता है, लेकिन जो बीच में दलाल पड़े हुए हैं, जो मंडी के दलाल पड़े हुए हैं, जो इसमें है वो इस बिल को खत्म करवाने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद होने के चक्कर में है, इसलिए वे किसानों को बड़बड़ा रहे हैं। ठीक है जी, वो किसानों को बड़बड़ा रहे हैं, किसान बिल्कुल है। आप देख सकते हैं यहाँ किसानों का समर्थन है, किसानों का कहना है कि हम यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, हम दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे आज किसानों के लिए, हम किसानों के समर्थन में, किसान बिल के समर्थन में है। इन्हों का कहना है सरकार ने जो भी बिल बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया, हमारे हित में बनाया है, जो दलाल है बीच के उन्हों को हटाना चाहते हैं हम भी चाहते हैं और सरकार भी चाहती है।
तो कृषि कानून के विरोध में तो आपने अब तक प्रदर्शन देखा, लेकिन समर्थन में भी अब सड़कों पर किसान सामने आ गए हैं। मेरठ से हजारों की संख्या में दिल्ली कूच कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना गाजीपुर बॉर्डर पर जब पहुंचेंगे तो किस तरह की तस्वीर सामने आएगी। वहीं बीजेपी ने पूरी तरह से मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। 2500 जगहों पर किसानों से संवाद बीजेपी करेगी। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर ये आयोजन होना है। आयोजन को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी ने सभी मंडलों सहित कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। कार्यकर्ताओं को किसानों और आमजनों को संवाद में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर, लगातार यहां पर फ्रंट फुट पर खेलती हुई बीजेपी, और बीजेपी ने भी तय कर लिया है कि किसानों को अब समझाया जाए कि कृषि कानून के फायदे क्या हैं, क्योंकि लगातार सरकार का दावा ये है कि कृषि कानून उनके हित में लिया गया फैसला है, बड़ा कदम है, और इसीलिए किसानों से जुड़कर खुद इस बात को कन्वे करने की कोशिश कार्यकर्ताओं के जरिए बीजेपी कर रही है। वहीं देखिए 23 दिसंबर को सपा पूरे देश में प्रदर्शन करने जा रही है, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन होगा। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सपा यह आंदोलन करेगी। किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। गांव गांव जाकर कृषि कानून के नुकसान के बारे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बताएंगे। तो एक तरफ बीजेपी की कोशिश ये है कि कृषि कानून के फायदे को समझे किसान, तो वहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी खुलकर किसानों के समर्थन में सामने आ चुकी है। कृषि बिल के खिलाफ तमाम आंदोलन की तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। तस्वीर आपके सामने, ट्वीट में वो लिखते हैं, झूठी बातों से बात और उलझेगी, मिल बैठकर जो बात ना सुलझी वो भला चिट्ठी से क्या सुलझेगी। आपको बता दें कि चिट्ठी के जरिए नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि किसान आए हमारे पास संवाद करें और ये कृषि कानून के फायदे हैं। तो उसी चिट्ठी का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चिट्ठी से क्या बात सुलझेगी, मिल बात कर बैठकर बात को सुलझाना चाहिए। बात लव जिहाद की करते हैं। कन्नौज में लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोपी ने पहचान छिपाकर युवती से शादी की। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने पर युवक की पोल खुल गई। परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। पीड़ित पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गुरसाहिगंज के तौफीक अपना नाम राहुल बता रहा था। खुद का नाम राहुल वर्मा बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया। बड़ी खबर कन्नौज से, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि लव जिहाद पर कानून भी उत्तर प्रदेश में बन चुका है, बावजूद इसके लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद का मामला मेरे नगर का मेरे संज्ञान में आया था। बेटी दिलसाद नगर गुरसागंज की है और युवक खाने देवर का है, जिसका नाम ओरिजिनल जिसका नाम तौफीक है, जिसने अपना नाम राहुल बनकर बेटी से संपर्क किया और उससे संबंध स्थापित किए और उसको अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसको 10 दिसंबर को उसने उससे शादी की, और जिसको जिसके बेटी के परिजनों को उसके बाद में पता चला कि ये लड़का मुस्लिम है, और उसके उपरांत घर वालों ने हमसे संपर्क किया कि ये मेरे साथ छल हुआ है। उसके तहत हम सब लोग कल कोतवाली में गए थे। हम लोगों ने लड़के के खिलाफ एक अप्लीकेशन दिया है थाने में, उसके खिलाफ कठोर से मान कर रखा था, है ना। और मेरी बहन से जो उनका उसके जो है बातचीत हुई हुई गई, फिर क्या हुआ, तो उसने उसे अपनी बातें के जाल में फंसा लिया। नाम अपना, नाम मुसलमान, लड़का मुसलमान का था लेकिन नाम उसने अपना जो है राहुल रखा था, राहुल वर्मा करके हमसे बात कर रहे थे। ठीक है, तो जब राहुल वर्मा करके बात करी है उससे, जो परिवार वाले में पूछी गई है, तो बोला हम परिवार से 7 सालों से अलग हैं और यहीं लखनऊ में रहते हैं। फिर क्या, तो उनसे जब पूछा परिवार तुम्हारा कहाँ है, तो बोले कि परिवार हमारा जो है जयपुर में सांगानेर के है कोई जगह, वहाँ पे है, वहाँ मेरी फैक्ट्रियाँ भी चलती हैं। तो हमने कि जब तुम अलग हो तो फिर फैक्ट्री से मतलब कहाँ है। फिर तो बोले कि जब हम जो लड़की को लेके गए हैं शादी के लिए, बातचीत हुई है, जब लड़की को लेके गए शादी के लिए, तो वहाँ जाने के बाद में पता लगा कि जो है जब शादी हो गई है, उसके बाद में जब अपने वहाँ से लौटने के बाद में हमने जो है फेसबुक पे फ़ोटो डाल दी है, वो जब फेसबुक पे फ़ोटो पड़ी है तब जो है पता लगी है कि हाँ ये लड़का मुसलमान है। हम लोग ये बात नहीं जान पाए थे कोई भी लड़की तक। थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में एक व्यक्ति ने यह सूचना दी कि उसकी पुत्री का विवाह एक शख्स ने
छद्म नाम से धोखे से कर लिया है। इस संबंध में तत्काल भारतीय दंड संहिता के साथ साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां पर मंचले से परेशान छात्रा ने घर छोड़ दिया। रास्ते में आते जाते छात्रा को परेशान करता था मंचला। मंचले से परेशान छात्रा अपने मामा के घर चली गई है। परिजनों ने थाने में मंचले के खिलाफ तहरीर दी है। शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर मंचले से परेशान होकर एक पीड़िता ने अपना घर छोड़ दिया। स्कूल जा रही थी तो इसने रास्ते में बाइक निकाल के बराबर में से कहा कि दो मिनट के लिए रुक नहीं सकती, तो तब भी मैं चुप चली। और हम जब फिर एक टेम्पो आया, फिर हम उस टेम्पो में बैठ गए। फिर जब हम उस टेम्पो में बैठ गए तो हमारे टेम्पो के पीछे भी ये बाइक लेके आ रहा था, तो हम तब भी चुप रहे थे। दो जने थे ये, और फिर हम अपने गांव के रास्ते पर हमने टेम्पो रुकवा लिया, तो हम गांव की सड़क पर चल रहे थे। तो इसने और वहां पे गांव मतलब गांव के रास्ते पे बाइक रोक के ये कह लगा कि दो मिनट के लिए रुक नहीं सकती, दो बात करनी है। फिर मेरी सहेली जो जा रही थी मेरे साथ, दो लड़की, उसमें से एक ने पूछा कि क्या बात करनी है तुझे, किससे बात करनी है। तो वो कह लगा नू उससे बात करनी है। फिर उस लड़की ने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं उसके पास गई तो कह रहा नू रुक नहीं सकती, दो बात नहीं कर सकती। तो फिर मैं कह लगी नू तुझे क्या बात करनी है, तो कह रहा नू जाऊ मन की हाँ जा। फिर छीना झपटी कर लगे। हमारी बेटी जा रही है स्कूल को, और कल स्कूल को गई थी तो यो पीछे लगा है सियाने के अड्डे से। सियाने के अड्डे से लग के फिर एचोली के रास्ते पे मिला, और वहाँ फिर इन्होंने छीना झपटी करी। उनने कही के जाता है या ना जाता है, तो इनने ही ना माना। इन्होंने हाथ बाजू पे और ज़बरदस्ती करी। उनने दो बार की सहेली ही गेल में उन्होंने कही के तू मेरे धोरे को आ जा। इन्होंने नहीं छोड़ा, तो उन्होंने फिर इन्होंने छीना झपटी करी वो लौंडिया गेल में। तो उन्होंने हल्ला मचाया था, ये हल्ला सुन के फिर ये गए थे कि हमारे जो कस्बा सियाना में पढ़ने के लिए आया करती है। आज जब वो स्कूल के बाद अपने घर जा रही थी तो रास्ते में मनीष एक अन्य युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ की। घटना की सूचना के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों ही अभियुक्त को पुलिस ने पकड़ लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। चलिए, उन्नाव से युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। वारदात को अंजाम देने के बाद अजला शव खेत में फेंक कर फरार हो गए बदमाश। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। सदर कोतवाली के बलवंत खेड़ा की घटना है। चौरान से खबर है, जहां पर बिजली विभाग के कैशियर ने 4 करोड़ का घोटाला किया है। करोड़ों रुपए के गबन का पता चलने पर विभाग में खलबली मची हुई। माधोगढ़ सब डिवीजन में आरोपी कैशियर राजेश तैनात है। अधिशासी अभियंता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। घोटाले का मामला सामने आया है बिजली विभाग से। जालौन से खबर, जहां पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 4 करोड़ का एक घोटाला, कैशियर पर बड़ा आरोप, करोड़ों रुपए की गबन पर बिजली विभाग में आखिरकार जैसे खबर सामने आई खलबली मची हुई है। और आखिरकार अब आरोपी कैशियर के खिलाफ कार्रवाई के संकेत, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जालौन में बिजली विभाग के कैशियर ने 4 करोड़ का घोटाला किया। करोड़ों रुपए के गबन के पता चलने पर विभाग में खलबली मच गई। और इसके साथ ही माधोगढ़ सब डिवीजन में ये जो आरोपी कैशियर राजेश प्रतीत जिनका नाम है वो तैनात है। अधिशासी अभियंता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के संकेत दे दिया है। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ेंगे। इससे पहले हमारे साथ नीलेंद्र राजावत ब्यूरो चीफ जालौन से जुड़ गए हैं।
नीलेन, तो जरा पूरी खबर बताएं और अब तक इस मामले में क्या हुआ है ये भी बताएं। जी आपको बता दें, पूरा मामला जनपद जालौर से माधोगढ़ उपकेंद्र का है, जहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा 3 करोड़ रुपए अधिक की धनराशि का गबन किया गया है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता उमाशंकर राजपूत के द्वारा उरई कोतवाली में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। बता दें कि पूर्व में भी जनपद जालौर के अवर अभियंताओं के द्वारा भी अनियमितताएं की गई है, उनके द्वारा भी करोड़ों रुपए का गबन विभाग को उम्मीद किया गया है, लेकिन ये विभागीय शिथिलता का है या उच्च अधिकारियों की मेहरबानी कहें, जिस कारण ये जो संबंधित दोषी हैं ये इनके खिलाफ कोई भी बड़ा एक्शन नहीं दिया जा रहा है। उसी का दुष्परिणाम ये है कि ये जो बिजली विभाग में नया एक घोटाला उजागर हुआ है, इसमें जो बाबू है इसके द्वारा करीब 4 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। जी घोटाले के बारे में आखिरकार कैसे खबर पहुंची अधिकारियों तक, ये सामने कैसे आया घोटाला नीले? जब इस संबंध में बराबर खबरें प्रकाशित भी की जा रही थी और जो यहां पर जो कैशियर थे, ये जो बाबू कैशियर के पद पर तैनात थे, इनके द्वारा जो धनराशि वसूल की जा रही थी, तो जो धनराशि जमा जहां पर की गई है वहां के कैशियर का कहना यह है कि हमारे पास तक इनकी धनराशि नहीं दी गई है। इस एवज में एक साल के भीतर की जो धनराशि का आकलन किया गया है वो करीब 4 करोड़ रुपए की धनराशि का घोटाला कैशियर के द्वारा किया गया। जाहिर तौर पर नीलेन देखना होगा कि आखिर जैसे जैसे जांच पड़ती है क्या और भी इस विभाग के जुड़े हुए लोग इस भ्रष्टाचार इस घोटाले में सामने आएंगे या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। गोरखपुर से अगली खबर है, जहां पर जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, लाठी डंडों से मारपीट की गई और इस मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। दो पक्षों में मारपीट में कई लोग घायल भी हुए हैं। तस्वीरें आपको हम घायलों की दिखा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में। पति पत्नी भी घायल हुए हैं, एक बेटे को गोली लगी है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गीडा थाना के खानीपुर इलाके की यह घटना, जहां पर जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। और ऐसी खबर है, जहां पर खेत में अधेड़ का शव मिला है। घर से खेत में पानी लगाने के लिए निकला था अधेड़, किसानों के ने शव को अब पुलिस को सौंप दिया है। बड़ी खबर और अया से, जहां पर घर से खेत में पानी निकालने के लिए निकला अधेड़, जिसकी हत्या की खबर मिल रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हालांकि ये हत्या है या आत्महत्या, दोनों एंगल के साथ पुलिस इस पर छानबीन कर रही है। यह कोतवाली अंतर्गत जमालपुर गांव में किरान यादव नाम के व्यक्ति रात 7 बजे अपने घर से ट्यूबवेल पर सोने करने के लिए आए। सुबह उनकी डेड बॉडी वहां पे पड़ी मिली। इसके बाद परिजनों को सूचना हुई, इनके लड़के इटावा में भर्थना गए हुए थे, तब वह यहां पे आए। इस संबंध में फोरेंसिक टीम भी मौके पे आई, सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंजुल पांडे हमारे संवाददाता और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजुल, ये बताइए कि ये जो अधेड़ उम्र का शख्स बताया जा रहा है जिसका शव खेत में मिला, क्या ये हत्या है या आत्महत्या, किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं?
मंजिल का रुख करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि किसान ने जब यहाँ पर शव देखा खेत में तो पुलिस को जानकारी दी गई और आखिरकार हत्या के पीछे या आत्महत्या के पीछे वजह क्या है इस पर पुलिस छानबीन कर रही है। अपने खेत पर पानी लगाने के लिए पहुंचा था यह अधेड़ कि कुछ वक्त बाद उसका शव उसी के खेत में मिला। और बुलंदशहर से अगली खबर है जहां पर मंचले से परेशान छात्रा ने घर छोड़ दिया। रास्ते में आते जाते छात्रा को मंचला परेशान करता था। मंचले से परेशान छात्रा अपने बाबा के घर पहुंच चुकी है। परिजनों ने थाने में मंचले के खिलाफ तहरीर दी है। शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। बुलंदशहर के सियाना कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है। कल स्कूल जानी थी तो इसने रास्ते में बाइक निकाल के बराबर में से कहा कि 2 मिनट के लिए रुक नहीं सकती, तो तब भी मैं चुप चली। और हम जब फिर एक टेम्पो आया, फिर हम उस टेम्पो में बैठ गए। फिर जब हम उस टेम्पो में बैठ गए तो हमारे